अस्सलाम वालेकुम ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फिज़िक्स सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात करेंगे कि जो एमसीक्यूज़ का जो मसला है ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ होता है कि बाकी तैयारी हो जाती है लेकिन जो 17 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ आते हैं इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि ये एमसीक्यूज़ कहाँ से आएँगे, किस तरह के आएँगे, हम कहाँ से तैयारी करें, कुछ समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को। तो इस वीडियो में हम आपके साथ जो है 11 से 12 पेपर्स ऐसे शेयर करेंगे। हर पेपर में जैसा कि आपको पता है 17 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो इसमें 11-12 पेपर आपके साथ शेयर करेंगे जो कि पिछले पास्ट पेपर में एमसीक्यूज़ आते रहे हैं। और ये पेपर्स पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपके जो एमसीक्यूज़ में वो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। हो सकता है 17/17 भी जो है यहाँ से आ जाएँ, लेकिन ये करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस जैसी कोई भी स्टेटमेंट अगर आएगी तो आपका जो एमसीक्यूज़ है आपको समझ आ जाएगा और इंशाल्लाह उसका आप करेक्ट आंसर लगाने के काबिल हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फिज़िक्स सेकंड ईयर मेरे गेस्ट पेपर की वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस का भी जो है वो गेस्ट दिया गया है, आप उसको लाजमी देखें। इसके अलावा कोई भी एजुकेशनल न्यूज़ और बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट, डेट शीट वगैरह के मतलब अपडेट जो है, पेपर पेयरिंग स्कीम, वो तमाम हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जाती हैं। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला जो पेपर है उसमें पहला एमसीक्यू जैसे कि आप देख सकते हैं, इफ़ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस इज़ नॉट अ फ्री स्पेस देन द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी। तो अगर फ्री स्पेस ना हो दो चार्जेस के दरमियान तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, सेम रहेगी या कुछ भी नहीं होगा। तो फिर वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी जो है इसके नीचे इसको एक तो बोल्ड भी किया गया है और उसको जो है अंडरलाइन भी किया गया। जो करेक्ट ऑप्शन है उनको अंडरलाइन कर दिया गया, तो आप इसको जो है वो देख के तैयार कर सकते हैं। इफ़ द सेकंड एमसीक्यू है, इफ़ द टाइम कांस्टेंट इन आरसी सीरीज सर्किट इज़ स्मॉल देन कैपेसिटर इज़ चार्ज और डिस्चार्ज रैपिडली, इसका आंसर होगा फिर वो जल्दी से चार्ज भी होगा और डिस्चार्ज भी जल्दी होगा अगर आरसी टाइम कॉन्स्टेंट जो है वो स्मॉल है। तो ये एमसीक्यूज़ हैं। अगर मैं तमाम एमसीक्यूज़ को ऐसे पढ़ूँगा तो ये वीडियो तो जो है कम से कम एक घंटे से भी ऊपर चली जाएगी। तो आप इस एमसीक्यूज़ को खुद साथ साथ खुद रीड करके जो है ना इसको साथ साथ याद भी कर लें। ये दूसरा पेपर स्टार्ट हो चुका है। ये दूसरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। ये अब तीसरा पेपर स्टार्ट हो चुका है जिसके पहले 5 एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये 6 से लेके 13 तक एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, साथ में इनके आंसर्स भी लगे हुए हैं, अंडरलाइन किया हुआ है, उसको बोल्ड भी किया हुआ है जो करेक्ट ऑप्शन है। ये लास्ट 6 एमसीक्यूज हैं इस पेपर के, 13 से लेके 19 तक। तो ये तीसरा पेपर भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चौथे पेपर की तरफ चलते हैं। ये चौथा पेपर आपके सामने शो हो रहा है। ये पहले 7 एमसीक्यूज, अब ये 8 से लेके 14 तक एमसीक्यूज़ आपके सामने शो हो रहे हैं।
ये लास्ट 6 MCQs आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आपको अब। अब इसके बाद नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। तो ये नेक्स्ट पेपर आपके सामने स्टार्ट हो चुका है। पहले 7 MCQs, 7 इनके आंसर्स भी लगे हुए हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट 7 से ऑनवर्ड जो MCQs हैं वो आपके सामने अब शो हो रहे हैं इस वक्त। पंद्रह तक MCQs शो हो रहे हैं आपके स्क्रीन पे इस वक्त। अब 15 से आगे ये लास्ट 5 MCQs आपके स्क्रीन पे इस वक्त शो हो रहे हैं। ये पूरी बुक सेकंड ईयर से MCQs लिए गए हैं जो पास्ट पेपर्स में डिफरेंट बोर्ड्स में पंजाब में आते रहे हैं। तो ये करने के बाद इंशाल्लाह आपका जो MCQs का पोर्शन है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। ये नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं अब हम। ये पहले 7 MCQs आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये 8 से लेके नेक्स्ट अब 15 तक शो हो रहे हैं MCQs आपकी स्क्रीन पे। ये आप रोज़ का अगर एक एक पेपर पढ़ लें अगर आपके पास टाइम है तो तब भी ठीक है, या अगर आपके पास पेपर में टाइम कम रह गया तो ये आप एक दिन में भी ये सारी फाइल जो है ये रीड कर सकते हैं। पेपर में जाने से पहले लाजमी एक बार रीड करके जाएं ताकि आपके जहन में जो है MCQs के आंसर्स और ये स्टेटमेंट फ्रेश हों और आपको ईज़िली जो है वहाँ समझने में आसानी हो सके। ये लास्ट जो है MCQs हैं अब लास्ट 16 से ऑनवर्ड जो MCQs हैं 20 तक ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये अब ये लास्ट 5 MCQs हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। तो ये अब नेक्स्ट पेपर स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले 6 MCQs आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये 7 से लेके 14 तक नेक्स्ट 7 MCQs आपकी स्क्रीन पे अब शो हो रहे हैं। ये 15 से लेके 20 तक आखिरी 6 MCQs आपकी स्क्रीन पे। अब नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट पेपर स्टार्ट हो चुका है। ये पहले 7 MCQs विद आंसर्स आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये 8 से लेके 14 तक MCQs आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं इस वक्त। और ये 15 से लेके 20 तक आखिरी 6 MCQs भी आपकी स्क्रीन पे इस वक्त शो हो रहे हैं। नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। तो ये नेक्स्ट पेपर अब स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले 7 MCQs आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त आप। ये 8 से लेके 14 तक MCQs आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये आखिरी 6 MCQs इस पेपर के आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं इस वक्त। नेक्स्ट पेपर स्टार्ट हो चुका है जिसके पहले 8 MCQs आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये नेक्स्ट 9 से लेके 16 तक MCQs आपकी स्क्रीन पे। ये
इसके बाद ये 17 से लेके 20 तक एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये पेपर भी मुकम्मल हो चुका है, टोटल 20 एमसीक्यूज हर पेपर में हैं। तो अपने लास्ट पेपर की तरफ चलते हैं, ये हमारा लास्ट पेपर है। इसके पहले 5 एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये 6 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे, 6 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज शो हो रहे हैं इस पेपर के, 13 तक। और ये 13 से लेके 19 तक एमसीक्यूज जो हैं आपकी स्क्रीन पे इस वक्त शो हो रहे हैं। उसके बाद ये लास्ट एमसीक्यूज, पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क मेक मेज़ोन, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये बोल्ड भी किया हुआ है, उसको मैंने पहले बताया एमसीक्यूज जो करेक्ट है उनको बोल्ड किया गया है, इसके अलावा उनको अंडरलाइन भी किया गया है। अब इसके अलावा कुछ और एमसीक्यूज हैं, ये भी आपने लाजमी पढ़ने हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो रेड से उसको जो है हाईलाइट किया गया है, तो इन एमसीक्यूज को भी आपने लाजमी पढ़ लेना है। ये पढ़ने के बाद इंशाल्लाह फुल चांसेस हैं कि आपके जो एमसीक्यूज में मार्क्स हैं वो 15 प्लस होंगे आउट ऑफ 17। अगर आप इन एमसीक्यूज का पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आखिर पे हम आपको अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, तो आप इनमें से जिस पे चाहें कांटेक्ट करके पीडीएफ फाइल भी हासिल कर सकते हैं। ये नेक्स्ट 29 से लेकर 36 तक एमसीक्यूज, ये 36 से लेकर 42 तक एमसीक्यूज आपके स्क्रीन पे इस वक्त शो हो रहे हैं। ये 44 से लेके 50 तक एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे इस वक्त शो हो रहे हैं। ये 51 से लेके 57 तक एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं इस वक्त। ये 58 से लेके 62 तक आपकी स्क्रीन पे एमसीक्यूज शो हो रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 62, 63, 64, 65, 66, अब 67 पे चलते हैं नेक्स्ट पेज। 67 से लेके 73 तक आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं विद आंसर्स, रेड कलर के जो हाईलाइट किए गए हैं ये आंसर्स हैं, इनके करेक्ट आंसर हैं ये। अब 74 से लेके 80 तक ये एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये 81 से लेके 87 तक अब एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं इस वक्त। ये एमसीक्यूज नंबर 90 से लेके 96 तक शो हो रहे हैं इस वक्त। ये 97 से लेके 102 तक शो हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे इस वक्त। ये 102 से लेके 108 तक आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एमसीक्यू शो हो रहे हैं। ये लास्ट पेज एमसीक्यूज का स्टार्ट हो चुका है। एमसीक्यू 112 से लेके 119 तक आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। वन ट्वेंटी से लेके 126 तक आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं।
ये लास्ट पेज था एमसीक्यूज़ का, तो ये एमसीक्यूज़ बनते हैं टोटल 130। तो इन एमसीक्यूज़ को जो है लाजमी आपने पेपर में जाने से पहले पढ़ लेना है। तो अगर आप इन एमसीक्यूज़ को पेपर में जाने से पहले पढ़ के जाएंगे तो इंशाल्लाह जो है आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कर दें। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।